इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। दोस्तों, गुयाना एक ऐसा देश है जहां 1976 में एक गांव में लगभग 900 से अधिक लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो आज हम आपको गुयाना के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। गुयाना दक्षिण अमेरिका के ऊपरी हिस्से में स्थित एक छोटा सा देश है जहाँ के ज्यादातर लोग भारतीय मूल के पाए जाते हैं। गुयाना में बहुत ही ज्यादा मात्रा में नदी मौजूद होने की वजह से गुयाना को नदी का देश भी कहा जाता है। गुयाना के कुल आबादी का लगभग 36% लोग अफ्रीकन मूल के है और लगभग आधे से ज्यादा लोग भारतीय मूल के है। गुयाना में रहने वाले लगभग सारे लोग हिंदू और मुसलमान भारतीय मूल के है जिनको अंग्रेज शासन के दौरान गुयाना ले जाया गया था। गुयाना की कुल आबादी में लगभग 29% लोग हिंदू, 75% लोग मुसलमान और 57% लोग ईसाई रहते हैं। एक समय पर गुयाना एक ब्रिटिश कॉलोनी था। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका और भारत से इस दौरान काफी सारे लोगों को काम करने के लिए गुयाना ले जाया गया था और आज भी गुयाना में वे लोग रहते हैं। भारत और अफ्रीकन के अलावा गुयाना में बहुत सी स्थानीय जनजाति मिलजुल कर रहते हैं और इस देश का नारा है, हम एक समाज है, एक देश है और एक भविष्य है। 1978 में हुई आत्महत्या की घटना को एक समय सबसे बड़ी घटना के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन इसके अलावा भी गुयाना में बहुत सी आत्महत्या होती रहती है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यह दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। दक्षिण अमेरिका के ज्यादा देशों में स्पेनिश बोली जाती है, लेकिन गुयाना दक्षिण अफ्रीका का एकमात्र देश है जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है और इंग्लिश के अलावा भी यहाँ पर काफी मात्रा में हिंदी, उर्दू बोली जाती है। गुयाना के लोगों का रहन सहन भारत से काफी अलग है, लेकिन यहाँ की संस्कृति पर भारत का काफी प्रभाव देखा जा सकता है। गुयाना दक्षिण अमेरिका के सबसे छोटे देशों में से एक है और यह दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे गरीब देश माना जाता है। गरीबी के बावजूद गुयाना की पढ़ाई इस पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छी मानी जाती है। गुयाना के लोग क्रिकेट काफी पसंद करते हैं और यहाँ के ज्यादातर खिलाड़ी वेस्टइंडीज टीम के साथ खेलते हैं। इसमें से सबसे परिचित नाम वेस्टइंडीज टीम के मशहूर प्लेयर ब्रेन लारा है। गुयाना का ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों में घिरा हुआ है और यहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। गुयाना में चलने वाली करेंसी गुयाना डॉलर है और भारत का एक रुपया गुयाना के लगभग $3 होता है।